बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना मुस्तफी अबूरी हुकूमत कायम करेंगे। आर्मी चीफ बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना इस्तीफा देकर मुल्क से रवाना हो गई हैं, जबकि आर्मी चीफ वकार अलजमान ने कहा है कि अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी। फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी AFP ने जराए के हवाले से शेख हसीना वाजिद की रवानगी की तस्दीक की है। आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वजीर आजम इस्तीफा दे चुकी हैं, हम अबूरी हुकूमत बनाएंगे। पैर को बांग्लादेश में पुरतशद्दुद एहतजाज की लहर के दौरान वजीर आजम शेख हसीना वाजिद दारुल हुकूमत ढाका में अपनी सरकारी रहायशगाह से रवाना हो गई हैं। खबर रसा इदारे AFP ने वजीर आजम के करीबी जराए का हवाला देते हुए बताया है कि शेख हसीना और उनकी बहन वजीर आजम किसी महफूज मकाम पर मुंतकल होने की गर्ज से सरकारी रहायशगाह को छोड़ चुकी हैं। जराए का कहना है कि वो एक तकरीर रिकॉर्ड कराना चाहती थी, ताहम उनको इसका मौका नहीं मिल सका। बांग्लादेशी वजीर आजम के एक सीनियर मुशीर ने उनके इस्तीफे के हवाले से पूछे गए सवाल पर AFP को बताया कि इसका इम्कान मौजूद है। बांग्लादेशी फौज के तर्जुमान ने AFP को बताया कि बांग्लादेश की फौज के सरबराह वकार अलजमान आज दोपहर के वक्त कौम से खिताब भी करेंगे, ताहम इसके अलावा मजीद तफसीलात नहीं बताएं। पुरतशद्दुद मुजाहरे में 100 के करीब हलाकती इससे कबल बांग्लादेश में वजीर आजम शेख हसीना के इस्तीफे का मुतालबा करने वाले हजारों मुजाहरीन की इतवार को हुकूमत के हामी हुजूम के साथ झड़पें हुई, जिनमें 100 के करीब अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए। खबर रसा एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक बांग्लादेश की बंगाली जबान में शाये होने वाले अखबार रोजनामा प्रथम उल्लू ने बताया कि झड़पों में 14 पुलिस अफसरान समेत 95 अफराद हलाक हो गए। चैनल 24 न्यूज आउटलेट ने 85 अमवात रिपोर्ट की है। फौज ने इतवार की शाम दारुल हुकूमत ढाका समेत मुल्क के बड़े शहरों में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक नया कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया। मुजाहिरीन वजीर आजम शेख हसीना वाजिद से इस्तीफा का मुतालबा कर रहे हैं, जिसके बाद गुज़श्ता माह शुरू होने वाले मुजाहिरों का आगाज तालिब इल्मों ने सरकारी मुलाजमतों के लिए कोटा सिस्टम के खात्मे के लिए किया था। ये मुजाहरे तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर गए, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए। जब नए सिरे से तशद्दुद बरपा हुआ, हसीना ने कहा कि तखरीब कारी और तबाही में मसरूफ मुजाहिरीन अब तालिब इल्म नहीं बल्कि मुजरिम है, और इन्होंने कहा कि लोगों को उनके साथ आहनी हाथों से निमटना चाहिए। मुजाहिरीन वजीर आजम शेख हसीना के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि वजीर आजम उन पर तखरीब कारी का इल्जाम लगा रही हैं। हुकूमत ने बदमनी पर काबू पाने के लिए मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट बंद कर दिया है, और व्हाट्सएप समेत फेसबुक और मैसेजिंग ऐप्स तक रसाई मुमकिन नहीं। जूनियर वजीर बराए इत्तिलात वाव नशरियात मोहम्मद अली अरफात ने इतवार को कहा कि तशद्दुद की रोकथाम में मदद के लिए मुख्तलिफ खिदमात की फराहमी बंद कर दी गई है। हुकूमत ने पैर से बुध तक छुट्टियों का ऐलान किया है, जबकि अदालतें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रहेंगी। गुज़श्ता माह तलबा ने सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खात्मे का मुतालबे पर मबनी एहतजाज शुरू किया था, जो बाद में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में बदल गया और अब तक 200 से ज्यादा अमवात का सबब बना। तशद्दुद की ताज़ा लहर के दौरान शेख हसीना ने कहा कि तखरीब कारी और तबाही में मुलव्वस मुजाहिरीन अब तालिब इल्म नहीं बल्कि मुजरिम हैं। इन्होंने कहा कि अवाम को उनसे आहनी हाथों से निमटना चाहिए। हुक्मरान जमात अवामी लीग का कहना है कि वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा जाहिर करता है कि उन मुजाहिरों पर मरकजी अपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और अब कलदम जमात इस्लामी ने कब्जा जमा लिया है। ढाका के इलाके उत्तरा में पुलिस ने सैकड़ों लोगों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल की, जिन्होंने अहम शाहराह को बंद कर दिया था।
मुजाहिरीन ने घरों पर हमला किया और इलाके में कम्युनिटी वेलफेयर के दफ्तर में तोड़फोड़ की, जहां हुक्मरान जमात के सैकड़ों कारकुनों ने पोजीशनें संभाल ली। एनी शाहिदीन का कहना है कि देसी साफ्ता बमों के चंद धमाकों और गोलियों की आवाजें सुनी गईं। मशरिकी इलाके में 20 अफराद गोलियों का निशाना बने। शुमाल मगरबी जिला सिराजगंज में कम अज कम 18 अफराद हलाक हुए। ढाका में पुलिस हेडक्वार्टर्स के मुताबिक इस तादाद में 13 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, जो मुजाहिरीन के थाने पर हमले में जान से हाथ धो बैठे। पुलिस ने बताया कि मशरिकी जिला कोमिला में एक और अफसर जान से गया। जुनूब मशरिकी बांग्लादेश के जिला फैनी में हसीना वाजिद के हामियों और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 5 अफराद की मौत हुई। बांग्लादेश में हालिया हफ्तों में कम अज कम 11,000 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। बदमनी के नतीजे में मुल्क भर में स्कूल और यूनिवर्सिटियां भी बंद कर दी गईं, जबकि हुक्काम ने एक मौके पर कर्फ्यू नाफिज करते हुए देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया। मुजाहिरीन ने लोगों से हुकूमत के साथ अदम तआवुन का मुतालबा करते हुए लोगों पर जोर दिया कि वो टैक्स या यूटिलिटी बिल अदा न करें और इतवार को काम पर न आएं, जो बांग्लादेश में काम का दिन होता है। दफातर, बैंक और फैक्ट्रियां खुल गईं, लेकिन ढाका और दीगर शहरों में मुसाफिरों को काम पर पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा।